श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का विषय रसायन अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्त पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आवर्त सारणी का विकास एवं इतिहास कैसे था, किस प्रकार हुआ। तो विज्ञान जो आवर्त सारणी बनाई गई थी रसायन विज्ञान में, इनमें बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया था। तो इनमें से कुछ वैज्ञानिक मूलभूत मतलब मेन आदमी थे। तो इनमें सबसे पहले था डोवेनाइनर। जो डोवेनाइनर वैज्ञानिक थे सन 1817 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसको अपन डोवेनाइनर का नियम कहते हैं। इनके आधार पर जो सारणी बनाई गई थी वो सबसे पहले तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। तो तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखने पर उन्होंने तत्वों को तीन तीन के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे प्रत्येक समूह को इन्होंने त्रिक नाम दे दिया। तो त्रिक के आधार पर इन्होंने कहा कि जो तत्वों का प्रथम तत्व होता है त्रिक में, प्रथम तथा अंतिम तत्व होता है, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार होता है इनका औसत होता है, मतलब इन दोनों के योग का औसत माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिथियम का परमाणु क्रमांक 7, सोडियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तथा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39। अगर ये त्रिक था तो त्रिक में इन्होंने सबसे पहले कह दिया था प्रथम तत्व का परमाणु भार तथा अंतिम तत्व का परमाणु भार के योग का आधा सत्य हो सकता। अगर दोनों को एड किया जाए तो 46/2 यानी कि 23। तो सोडियम का जो परमाणु भार था वो 23 आता था। तो इसके आधार पर उन्होंने बोल दिया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखने पर प्रथम तत्व का जो परमाणु भार तथा अंतिम तत्व का जो परमाणु भार होता है उनके योग का आधा मध्य के तत्व का परमाणु भार होता है। यही डोवेनाइनर का त्रिक नियम था। तो फिर इनके बाद न्यूलैंड ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जो न्यूलैंड का, जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो न्यूलैंड ने कहा था कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखें तो हर आठवां तत्व, प्रत्येक जो हर आठवां तत्व आने वाला है तत्व प्रथम तत्व के परमाणु के गुणों से समानता, परमाणु के उनके जो गुण होते हैं ना उनके परमाणु के गुणों में समानता दर्शाता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम था। मतलब न्यूलैंड के अष्टक नियम से बोल सकते हैं कि प्रथम तत्व आठवें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। इसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम आता है आवर्त सारणी में, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो जिस प्रकार संगीत के स्वरों में अपन पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर उसके बाद आता है सा, तो सा अपन दोबारा से काउंट करेंगे। तो लिथियम के नीचे जो अगला तत्व आता है वो सोडियम आता है। तो सोडियम एक धातु है जिसको अपन बोलते हैं क्षारीय धातु है। तो सोडियम भी क्षारीय धातु है और लिथियम भी क्षारीय धातु है। तो दोनों के गुणों में समानता प्रदर्शित हो रही है। तो इसी प्रकार अपन चाहे यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि सा रे गा मा पा धा और फिर इसको बोलेंगे नी, फिर जो सा आएगा ना तो ये भी उसी के समान होगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्षारीय मृद धातु है, इसलिए अपन दोनों को बोल सकते हैं कि पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अब इसके बाद आते हैं अपन लोथर मेयर व्यवस्था पर। तो ये प्रमुख वैज्ञानिक थे लोथर मेयर। इन्होंने एक वक्र दिया था जो आपकी पुस्तक में एक किताब में दिया है। तो लोथर मेयर व्यवस्था में आप देखिए कि इनमें एक वक्र बनाया है। इस वक्र में इन्होंने जो वक्र बनाया था, इस वक्र में जो क्षारीय मृदा धातुएं थी पहले समूह की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिन इन धातुओं को अपन क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु इस वक्र में सबसे ऊपर शिखर पर पाई जाती है। मतलब जो वक्र बना है तो जहाँ जहाँ वक्र है उस वक्र के सबसे शिखर बिंदु पर पाए जाने वाली धातुएं थी। तो सबसे पहले लोथर मेयर ने एक वक्र बनाया, उस वक्र में यह देखा
कि क्षारीय धातुएं वक्र में शिखर पर स्थान पाती हैं, जबकि इनसे जो कम धन विद्युतीय तत्व हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों में जो थे ये इनके उतार पर पड़ते हैं, मतलब इनसे थोड़े नीचे पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के वक्र जो होते हैं वो क्षारीय धातुओं से क्षारीय मृदा धातुओं को इनके नीचे पाए जाते हैं। फिर इनके बाद थे हेलोजन तत्व, जो हेलोजन तत्व थे ये चढ़ाव के ऊपर को पड़ते हैं, जो वक्र बना है उस वक्र में चढ़ाव के ऊपर पड़ते हैं। आठवें समूह के जितने भी तत्व थे वो वक्र में सबसे निम्नस्ट पर सबसे नीचे पड़ते थे, ये इनकी लोथर्मियर व्यवस्था थी। तत्वों को इन्होंने एक वक्र पर प्रस्तुत किया और वक्र पर इन्होंने देखा कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो क्षारीय धातु वक्र में शिखर पर स्थान पाती हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुएं शिखर से थोड़ी नीचे को यानी कि उतार पर पड़ती हैं, जबकि ऋण विद्युतीय तत्व वक्र के चढ़ाव के ऊपर को पड़ते हैं, और जबकि जो समूह के आठवें तत्व के समूह थे लिथियम सॉरी जो समूह के आठवें तत्व थे हेलोजन तत्व वो निम्नस्ट स्थान पर पाए जाते थे। इसके आधार पर फिर आप बताते हैं इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम, इसके लक्षण, महत्व व दोष क्या क्या है। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उन्होंने तत्वों को किस प्रकार रखा था, क्योंकि हमें तत्वों को याद करने में सफलता प्राप्त हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक सारणी तैयार की थी। तो उन्होंने देखा कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को तैयार किया था। इसलिए बोल दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इन्होंने इस सारणी को जो तैयार किया था, जो आपकी पुस्तक में दी है, उन्होंने इनमें इन समूहों को इनको एक दो तरीके से बांटा था, जिसमें इन्होंने पहले 9 समूह बनाए थे। पहले वर्तमान में तो 8 ही समूह थे, 8 समूह थे और 7 आवर्त थे, जो सीधे थे उनको समूह बोला था और जो हॉरिजॉन्टल तरीके में थे उनको इन्होंने क्या बोला था, आवर्त बोला था। तो ये 8 आवर्त थे और 7 आवर्त थे और 8 समूह थे। 8 में से 7 जो समूह थे इनको 2-2 उपवर्गों में बांटा था। जो आपकी किताब है उसमें 2-2 उपवर्ग लिखेंगे, पहले डिब्बे में एक साइड ए एक साइड बी, तो ये सभी 7 में था, लेकिन 8वें वाले उपवर्ग को 2 वर्गों में नहीं बांटा था। इन्होंने जो तत्व जो समूह रखे थे इन्होंने 8वें समूह में कभी कभी किन्हीं किन्हीं तत्वों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया था और किन्हीं किन्हीं तत्वों को 3-3 के रूप में वर्गीकृत कर दिया था, ये इन्होंने इतना काम किया था। और इन्होंने जो हाइड्रोजन की स्थिति थी वो पहले समूह के साथ दर्शाई थी, वो 7वें समूह के साथ दर्शाई थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में अपन आते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम हो गया। तो मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इनके लक्षण यही थे कि इन्होंने सारणी को 7 आवर्त तथा 8 समूह में बांटा था, बाद में 9वां समूह जोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हमें अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी। सभी समूह को इन्होंने 2 अपवर्गों में बांटा था, इन्होंने बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, ये इनके लक्षण थे। अब हम इनके महत्व और दोषों पर आते हैं। तो महत्व में अपन बात करते हैं पहले इनके अध्ययन की। तो महत्व ये था कि हमें आवर्त सारणी आसानी से याद होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने तत्वों को 2 वर्गों में बांटा था, तो क्षारीय धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुओं और सभी तत्वों, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता था। नए तत्वों की भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई थी। जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर वर्तमान के बाद अगर कभी भविष्य में कोई तत्व खोजा गया तो इसी रिक्त स्थान पर आएगा। इसके आधार पर उनकी ये भविष्यवाणी भी सिद्ध हुई, क्योंकि जो तत्व खोजे गए तो जो रिक्त स्थान छोड़ा था उन्होंने उसी रिक्त स्थान पर ही वो तत्व रखा गया। तो इसके लिए अपन ने बोल दिया था कि तत्वों की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई थी। और जितने अनुसंधान में सहायक थी, अगले पॉइंट है कि अनुसंधान में सहायक, तो सभी तत्वों को एक अनुमान लगाया जा सकता था कि कोई तत्व अन्य तत्व के साथ कैसा व्यवहार दर्शाता है। इसके लिए इन्होंने इस समूह में जो बांटे थे तत्वों के आधार पर, तो ये भी क्लियर हो गया था कि पहला समूह दूसरे समूह से किस प्रकार भिन्न है और दूसरा समूह तीसरे समूह से किस प्रकार
भिन्नता दर्शाता है, तो हमें अनुसंधान में सहायक हो गए थे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मेंडलीव की आवाशाणी के दोष पर। तो मेंडलीव की आवाशाणी के दोष निम्नलिखित थे। सबसे पहले आप अपनी आवाशाणी में देखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति को देखेंगे, तो मेंडलीव ने जो अपनी आवाशाणी बनाई थी उसमें हाइड्रोजन पहले समूह के साथ में भी था और सातवें समूह के साथ में भी था, मतलब हाइड्रोजन की स्थिति ठीक नहीं थी। ये कभी पहले समूह के साथ भी समानता दर्शाता था और आठवें समूह के साथ भी समानता दर्शाता, तो ये स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जो बाद में मोज़ले नामक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने जो हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो ठीक कर दी थी, वो पहले समूह में इनको रख दिया था क्योंकि इन्होंने जो सारणी बनाई थी मोज़ले ने वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर बनाई थी। इस प्रकार हाइड्रोजन की स्थिति मोज़ले ने ठीक कर दी थी। तो दोनों दोषों पर एक के दोष दूर हो जाएंगे और एक के दोष स्पष्ट हो जाएंगे, तो दो क्वेश्चन एक साथ होंगे आपके। तो पहले हाइड्रोजन की स्थिति तो सीधे ही बोल देंगे इसमें हाइड्रोजन की स्थिति ठीक नहीं थी, पहले समूह के साथ तथा सातवें समूह के साथ समानता दर्शाता था। दूसरी बात थी इनके गुणों में प्रधानता यानी कि परमाणु भार के आधार पर। आप अपनी आवाशाणी में देखेंगे कि कुछ तत्वों को इन्होंने जो तत्वों को रखा था उन्होंने परमाणु भार के आधार पर रखा था। तो जैसे पोटेशियम तथा आर्गन को देख लीजिए आप अपनी बुक में, तो पोटेशियम तथा आर्गन की स्थिति में इन्होंने आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में रखा, जबकि पोटेशियम को पहले और आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए था, तो ये स्थिति भी इनकी ठीक नहीं थी। तो परमाणु मोज़ले ने ये स्थिति भी ठीक कर दी थी। फिर अब आए थे इनके तत्वों की जो स्थितियां थीं इनकी भविष्यवाणी के आधार पर, तो जो कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, तो मेंडलीव की आवाशाणी में जो रिक्त स्थान छूटे थे वो भी मोज़ले ने ठीक कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने तत्वों के लिए कोई ऐसा रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था। और मेंडलीव ने जो अपने तत्वों की जो आवर्तता बनाई थी इनमें इनको गुणों को अंतर को स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन मोज़ले ने इनकी आवर्तता को समझाया था किस प्रकार इनको रखा गया। तो मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने इनको 18 समूह तथा 7 आवर्त में वर्गीकृत कर दिया था और इनकी त्रिकों को भी दूर कर दिया था। ये मेंडलीव की आवाशाणी के दोष खत्म हुए। अब इसके बाद आ गए आधुनिक आवर्त नियम पे। तो जो आधुनिक आवर्त नियम था वो सिंपल है जिस प्रकार मेंडलीव का आवर्त नियम था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यही आधुनिक आवर्त नियम है जिसको अपन मोज़ले का आवर्त नियम कहते हैं। आज अध्याय 3 में केवल इतना ही, आप अपनी फेयर कंप्लीट करते जाइए और अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो आप विद्यालय में आकर के अपने शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।